नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी और देश दुनिया की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट खबरें, क्योंकि आज की खबरें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपको आज मैं पूरी दुनिया की और सबसे महत्वपूर्ण आपके उत्तर प्रदेश की खबरें बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, वीडियो छोटा लेकिन बढ़िया बढ़िया खबरें लेकर आया हूं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जी हाँ, जान लेते हैं सबसे पहली बड़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण खबर, राम मंदिर के काम में आई तेजी। राजस्थान से 300 कारीगर पहुंचे हैं। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं, राम मंदिर निर्माण के काम को नियत समय पर पूरा करने के लिए श्रमिकों की संख्या बढ़ा दी गई है। उसके लिए राजस्थान से कुशल कारीगरों की खेप आनी शुरू हो गई है और इस योजना के अंतर्गत 300 कारीगरों की पहली खेप यहाँ पहुंच गई और उन्हें सुनियोजित ढंग से काम पर भी लगा दिया गया। जी हाँ, बहुत ही अच्छा काम है, जय श्री राम। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट खबर, जो कि सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं, अभी इस बार ऑफलाइन मिलेगी स्कॉलरशिप इन छात्रों के लिए, सरकार का बड़ा फैसला। आपको बता दें, यूपी की योगी सरकार ने संस्कृत छात्रों को संशोधित दर से छात्रवृत्ति भुगतान के लिए शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया है। इसके अनुसार वर्ष 2024-25 में इसका भुगतान ऑफलाइन ही किया जाने वाला है, जो वाकई में बहुत ही अच्छी चीज़ है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, यूपी में जेके सीमेंट लगाएगा 1500 करोड़ के नए प्रोजेक्ट, एचसीएल भी करेगा बड़ा निवेश, सीएम योगी के सामने है ऐलान। जी हाँ, आपको बता दें, विभिन्न औद्योगिक समूह ने शुक्रवार को यूपी सरकार के कामकाज की सराहना करते हुए निकट भविष्य में कई परियोजनाओं को शुरू करने का ऐलान किया है और जेके सीमेंट यूपी में 1500 करोड़ का निवेश करने वाली है। तो अंदाजा लगा लीजिए, अगर इतना बड़ा निवेश होगा तो कितने रोजगार मिलने वाले। वाकई में बहुत अच्छा समय आने वाला है उत्तर प्रदेश यूपी का। जी हाँ, चलिए जान लेते हैं इसी के बाद अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, मंकी पॉक्स का अलर्ट, बुखार के साथ दान गांठ दिखे तो हो जाएं सावधान। जी हाँ, आपको ऐसे करना है बचाव। बुखार के साथ अगर आपके शरीर पर दाने और गले व जांग पर गांठ दिखाई पड़े तो सावधान हो जाइए, इसे चिकन पॉक्स या त्वचा का संक्रमण समझने की गलती ना करें। जी हाँ, मंकी पॉक्स के लक्षण हो सकते हैं, ऐसे में डॉक्टर से दवा लें और खुद को परिवार के बाकी सदस्यों से अलग कर लें, ऐसा अगर कुछ दिखे तो। जी हाँ, ये ध्यान रखने वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। जी हाँ, मंकी पॉक्स के काफ़ी केसेस देखने को मिल रहे हैं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इस बार इतने बिखरे बादल की गरजना भूल गए, बढ़ा रहा है पॉकेट रेन का ट्रेंड, वैज्ञानिकों ने बताया कारण। आपको बता दें, यूपी में इस बार इतने बिखरे बादल की गरजना भूल गए हैं कि कानपुर में विशेषज्ञों ने बादलों से जुड़ी आकाशीय घटनाओं में बदलाव का अध्ययन किया है। उन्होंने कहा है कि बादलों के टुकड़ों के बीच दूरियाँ अधिक होने से पॉकेट रेन का ट्रेंड बढ़ गया, यानी कुछ कुछ बारिश होती है, ज़्यादा नहीं होती है। जी हाँ, चलिए इसी के बाद जानेंगे अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं, सितंबर में भी जोरदार बारिश के लिए हो जाएं तैयार, आईएमडी ने दिए हैं जी हाँ निर्देश। जी हाँ, भविष्यवाणी कर दी गई है, सुदूर उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ क्षेत्रों में, दक्षिणी प्रायद्वीप के कई भागों में, उत्तरी बिहार और उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। जी हाँ, लेकिन अब सितंबर में एक बार लग रहा है फिर से बारिश हो सकती है कहीं ना कहीं। जी हाँ, चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, भयानक बाढ़ ने 11 जिलों में मचाई तबाही, बांग्लादेश में 59 लोगों की मौत, 50 लाख से ज़्यादा लोग हुए प्रभावित। जी हाँ, आपको बता दें, पड़ोसी मुल्क में आई बाढ़ की वजह से 11 जिलों में करीब 54 लाख लोग प्रभावित हो गए। वहीं बाढ़ से जुड़ी घटनाओं से 6 महिलाएँ, 12 बच्चे सहित कम से कम 59 लोगों की मौत हो गई। आप सोचिए किस लेवल पर पानी आ गया, देखिए रोडों पर बहुत बुरा हाल है और संकट की स्थिति बनी हुई है बांग्लादेश में। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। गूगल पे यूजर्स के लिए पेश हुए हैं 6 कमाल के फीचर, डिजिटल पेमेंट का बदल जाएगा पूरा का पूरा अंदाज। वाकई में ये तो बड़ी शानदार चीज़ है। जी हाँ, आपको बता दें, गूगल की मोबाइल पेमेंट सर्विसेज गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी 6 फीचर्स को ला दिया गया है। क्या है ये फीचर्स, आपको बता देते हैं। UPI वाउचर्स आपको देखने को मिलने वाला है, जी हाँ, जो कि गूगल पे ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट के साथ साझेदारी के साथ किया है। बिल पेमेंट के लिए आपको क्लिक पे QR स्कैन मिलेगा। जी हाँ, उसी के बाद आपको प्रीपेड यूटिलिटी पेमेंट का ऑप्शन भी मिलने वाला है। UPI लाइट के लिए आप ऑटो पे कर सकते हैं। जी हाँ, रुपए कार्ड के साथ आप टैप पर और पे कर सकते हैं। जी हाँ, UPI सर्कल फीचर भी आपको मिलने वाला है, जिसमें आप 5 लोगों को जोड़ सकते हैं। जी हाँ, ताकि कोई भी पेमेंट करना चाहेगा तो बस जो फर्स्ट प्राइमरी पर्सन होगा उसका, उसको बस अप्रूवल के लिए जाएगा और वो पेमेंट, वो अप्रूवल करती पेमेंट भी हो जाएगा। वाकई में 6 फीचर कमाल के हैं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सितंबर में, जी हाँ, 2 सितंबर को स्कूलों में छुट्टी जारी, हुआ आदेश जारी। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं, सितंबर महीने में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी गई है। जी हाँ, स्कूल, बैंक और सभी सरकारी दफ्तरों में छुट्टी रहने वाली 2 तारीख को। जी हाँ, बताऊँ क्यों, क्योंकि इस महीने में गणेश चतुर्थी,
हरतालिका तीज और ईद उल मिला जैसे कई त्यौहार हैं जिसमें बड़ी लंबी लिस्ट देखने को मिलने वाली इस बार छुट्टियों की। जी हाँ, तो 1 व 2 सितंबर को स्कूलों में छुट्टी भी रहने वाली है, जो वाकई में बच्चों के लिए मजे हो चुके हैं। जी हाँ, चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, आपको बता दें, केदारनाथ में आसमान से गिरा हेलीकॉप्टर जमीन पर हुआ पूरा का पूरा चकनाचूर, सामने आया खौफनाक वीडियो। आपको बता दें, केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर के जमीन पर गिरते हुए देख इलाके में हड़कंप मच गया और इस घटना का वीडियो सामने है। जी हाँ, पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर एकदम चकनाचूर हो चुका है। जी हाँ, आप एक बार देख सकते हैं, फोटो में दिख रहा होगा जी हाँ किस प्रकार से उड़ रहा हेलीकॉप्टर था और नीचे आके गिरने पे पूरा का पूरा चकनाचूर हो गया। लेकिन बता दें, इस बीच हेलीकॉप्टर से जिस चेन से बंधा हुआ था वह चेन टूट गई और जिसके बाद खराब हेलीकॉप्टर आसमान से सीधा जमीन पर आगे गिरा। आपको बता दें क्या हुआ था, बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर खराब था और इसे रिपेयरिंग के लिए ले जाया जा रहा था। खराब हेलीकॉप्टर को एक अन्य हेलीकॉप्टर से बांध कर ले जाया जा रहा था और इसी बीच हेलीकॉप्टर जिस चेन से बांधा गया था वो चेन ही टूट गई। जी हाँ, और सीधा वो आसमान से जमीन पर आके गिरा और इस पूरी घटना का वीडियो कैमरे में भी कैद हो गया। और वहीं जमीन पर गिरने के बाद खराब हेलीकॉप्टर पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। वहीं मौके पर एसटीआरएफ की टीम भी मौजूद थी। जी हाँ, और संतुलन बिगड़ने से हादसा हुआ है, मौके पर एसटीआरएफ की टीम मौजूद मिली। चलिए इसी के बाद जानेंगे अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त चाहिए तो आज ही करवा लीजिए ईकेवाईसी। अगर आपने ईकेवाईसी नहीं कराया तो आपको सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। और आपको बता दूं, आपको जो 18वीं किस्त है उसके लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार ईकेवाईसी मैंडेटरी हो चुकी है। तो ईकेवाईसी नहीं करवाया तो करवा लीजिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जी हाँ, बहुत ही ज़रूरी है आप सबके लिए, इसलिए बोल रहा हूँ। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। मुकेश अंबानी बांटेंगे आपको धड़ाधड़ लोन, कंपनी के नए प्लान से थरथर कांप रहे हैं बैंक। आपको बता देना चाहते हैं, जियो फाइनेंशियल शेयर प्राइस, जी हाँ, आपको बता दें, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर शुक्रवार को बंद हुए कारोबारी सप्ताह में गिरकर 321.75 रुपये पर बंद हुआ और अप्रैल 2024 में शेयर 394.70 रुपये का ऑल टाइम हाई टच कर चुका है। जी हाँ, तो इस बार हो सकता है कि कुछ कमाल ही कर सकते हैं मुकेश अंबानी। आपको बता देना चाहते हैं कि अभी वो लोन और सर्विसेज के शुरू के आखिरी चरण में है और इसकी बीटा टेस्टिंग शुरू हुई है। उसके अलावा कंपनी संपत्ति पर लोन, सिक्योरिटीज़ पर लोन जैसे अन्य प्रोडक्ट भी पेश करने जा रही है। वाकई में हो सकता है कि आने वाले टाइम में, जैसे सभी टेलीकॉम सेक्टर में एकदम तबाही मचाई थी, हो सकता है फाइनेंस सेक्टर में पूरी तबाही मचा सकते हैं मुकेश अंबानी। बाकी तो समय बताएगा क्या होगा, आने वाला समय देखेंगे। लेकिन तब तक के लिए बढ़ते हैं अगली बड़ी इंपॉर्टेंट खबर। जी, आपको बता दें, कोलकाता पीड़िता के परिवार को किया नज़रबंद, पिता को रुपए की पेशकश, कांग्रेस का दावा। आपको बता दें, अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि मैंने डॉक्टर के परिवार के घर जाकर उनसे काफ़ी देर तक बात की, पुलिस ने परिवार को घर में नज़रबंद कर रखा है, वह तरह तरह के बहाने बनाकर उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं देना चाह रहे, ऐसा बताया जा रहा है। बाकी आपके इसके प्रति कोई विचार हो तो मुझे एक बार कमेंट्स में बता दीजिएगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, आपको बता दें, नजूल की संपत्ति पर सपा का ऑफिस, निगम लेगा कब्जा, नगर आयुक्त डीएम को चिट्ठी लिखकर मांगी पुलिस फोर्स। आपको बता दें, यूपी के मुरादाबाद में नजूल की जमीन पर 30 साल से सपा का ऑफिस चल रहा है और अब नगर निगम उस ऑफिस को हटवाएगा और इसके लिए आयुक्त ने डीएम को चिट्ठी लिखकर मजिस्ट्रेट और पुलिस जो फोर्स है उसकी मांगी है ताकि उसे हटाया जा सके। जी हाँ, चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, IRCTC की नई सुविधा, यात्री अब कॉल पर बुक कर सकेंगे टिकट, आवाज से होगा पेमेंट। आपको बता दें, अब ट्रेन टिकट बुक करना एकदम आसान कर दिया गया। IRCTC, NPCI और कोर ओवर ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में UPI के लिए जो कन्वर्सेशनल वॉइस पेमेंट सर्विस को लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है, इसके लिए आपको काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिलेगा। जी हाँ, कैसे इसे यूज़ करोगे वो थोड़ा सा बता देता हूँ। ये नई सुविधा है जो पेमेंट गेटवे के साथ इंटीग्रेटेड है। जी हाँ, इसमें क्या होने वाला है, भारतीय रेलवे के ग्राहकों को अपनी आवाज़ का उपयोग करके या कॉल पर अपनी UPI ID या मोबाइल नंबर टाइप करके IRCTC पर ट्रेन टिकट के लिए पेमेंट की अनुमति देती है और यह सारा काम भारतीय रेलवे के AI वर्चुअल असिस्टेंट यानी कि आस्क दिशा के जरिए होने वाला। ग्राहक बोलकर न सिर्फ टिकट बुक कर सकेंगे बल्कि पेमेंट भी कर सकेंगे। जी हाँ, वाकई में गजब का काम कर रही है सरकार, तो मान गए AI को कहाँ कहाँ यूज़ किया जा रहा है, आप सोच लीजिए, अंदाजा नहीं लगा सकते। चलिए, तो ये थी उत्तर प्रदेश, UP और देश दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करगा तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।